अच्छा उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म ये था ना कि वो कहते थे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है बस। इसके ऊपर उन्होंने बंद कर दिया उनको। और हाल ये आ गया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन साल अल्लाह के रसूल ने खाने का कुछ होता ही नहीं था। कभी इधर उधर से कोई दे जाए खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फैमिली का या कोई और बंदा तो मिल जाए, ना कुछ खरीद सकते हैं ना कुछ मामला कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने जो चमड़ी होती है उसको पानी में भिगो भिगो के पीते थे ताकि पानी के जायके के अलावा कुछ चले जाए। पत्ते पका के खाते थे या उनका जना सूप पीते थे ताकि कुछ एनर्जी हमारे अंदर चले जाए, कुछ खरीदने को नहीं था। और मैं जब ये सोचता हूँ कि मतलब कहाँ हम और कहाँ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब क्या क्या कंपैरिजन हमारा, क्या उनकी क्या उनके सेक्रीफाइस और क्या हमारी कुर्बानियाँ, इसका कोई मुआजना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है कि अल्लाह के रसूल तीन साल जो है सिर्फ उनका एक ही तो दावा था। अच्छा उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म ये था ना कि वो कहते थे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है बस। ये सिर्फ छोटा सा एक दावा था उनका, सिर्फ छोटी सी एक बात थी कि जिसने बनाया है, जो मालिक है, जो राज़िक है, जो हाकिम है, जो मुदब्बिर है, बस हमने उसकी ग़ुलामी करनी है, हम और किसी के ग़ुलाम नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने बंद कर दिया उनको। अगर ये इस दर्द को समझना हो ना तो सिर्फ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में तीन दिन नहीं खाएगा कोई सॉलिड फूड। और सिर्फ अगर आपने खाना है पानी पी लें, सूप पी लें, हम चलें सूप अलाउ कर देते हैं, सूप पी लें हम, ज़रा सुबह कुछ ना मिले हमें, हमारे हमारे स्टमक के अंदर रोटी ना जाए, चावल ना जाए, मीट ना जाए, चिकन ना जाए, मटन ना जाए, फ्रूट्स ना जाए, चलें सुबह नहीं हुआ निकल जाते हैं कभी जल्दी के अंदर, रात में तो मिल जाता है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, हफ्ता, दस दिन, महीना, छः महीने, साल, दो साल, तीन साल। और उससे बड़ा जो दर्द और कर्ब जो एक मर्द के ऊपर होता है ना वो ये कि उस दर्द और कर्ब के अंदर उनकी अपनी औरतें और बच्चे चीखें चिल्लाएं, आओ बुका करें गम के अंदर। इंसान अपना गम तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अपनी फैमिली का गम बर्दाश्त नहीं करता, अपने फाके बर्दाश्त कर लेता है, फैमिली का फाका बर्दाश्त नहीं करता। और रिवायत के अंदर आता है कि वो बच्चे इतना रोते थे कि वादी से बाहर उनकी भूख की आवाज़ें आती थी और वो सालों तक रोते रहे, सालों तक रोते रहे वो, सालों तक। लेकिन कोई एड, कोई हेल्प नहीं आई। तीन साल मुसलसल हमारे नबी ने ये बायकॉट काटा। चाहते तो वो अपनी वैल्यूज़ को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, चाहते तो कुछ ना कुछ डील्स कर लेते, चाहते तो मुदानियत इख्तियार कर लेते, चाहते तो तसाहुल इख्तियार कर लेते, ईज ले लेते, कहते ना टेक द ईज, टेक द ईज, तो ईज ले लेते। लेकिन वहाँ पर ईज लेना बनती नहीं थी। उनकी दो बातें थी, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दो, नहीं दिया जाओ, लीडर कैसे दे दें भाई हम अपना, दूसरा ये कि ज़रा तौहीद अपनी हल्की सी कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, एक दिन हम तुम्हारे रब की इबादत कर दें, एक दिन तुम हमारे रब की इबादत कर लो, एक दिन तुम अपने खालिक की इबादत करो, एक दिन हम अपने माबूदों की इबादत कर लें। नहीं 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 नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के ऊपर, अल्लाह के ईमान के ऊपर हम सब कुछ गवारा कर लेंगे। और किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है बता दो, कोई मसले की बात नहीं, हम लेसर इविल ले लेंगे, हम आसान रास्ता ले लेंगे, हम कोई और मामला कर देंगे, लेकिन बात तौहीद की है हम नहीं कर सकते।